हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी 12 सी मोबाइल है, तो रेडमी 12 सी मोबाइल की सेटिंग्स पर जाकर जो हमारे फ़ोन में स्क्रीन रिफ्रेश रेट है, तो स्क्रीन रिफ्रेश रेट को आप कैसे चेंज कर सकते हैं रेडमी 12 सी मोबाइल की सेटिंग पर जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं हमारे फ़ोन में इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाल आइकन्स ओपन नहीं आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन होगी। तो जो हमारे फ़ोन में स्क्रीन रिफ्रेश रेट है, तो स्क्रीन रिफ्रेश रेट को आप चेंज कैसे कर सकते हैं, सिंपली सेटिंग शो हो रही है, फिर आपको डिस्प्ले सेटिंग पे जाना है। डिस्प्ले सेटिंग्स ओपन आएगी जहाँ से रिफ्रेश रेट को आप चेंज कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर रिफ्रेश रेट सेटिंग्स आ रही होगी, शायद नहीं आ रही यहाँ पर, तो हम सर्च कर लेंगे। सर्च कर लिया हमने, रिफ्रेश रेट सेटिंग्स आ जाएगी, तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया स्पीड रेट। तो आपके जैसे हमारे फ़ोन में रिफ्रेश रेट है नहीं, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से डिस्प्ले सेटिंग पे जाकर, और रिफ्रेश रेट वगैरह को चेंज कर पाएंगे। तो जैसे अगर आपको सेटिंग्स नहीं मिलते हैं तो आप और भी यूज़ कर सकते हैं, डिस्प्ले की स्पीड बढ़ा सकते हैं। जैसे आप यहाँ से जाते हैं होम स्क्रीन सेटिंग पे, तो डिस्प्ले स्पीड को बढ़ा सकते हैं आप एनिमेशन स्पीड पे जाकर, और यहाँ से स्पीड को बढ़ाकर आप जो भी इसकी रिफ्रेश रेट है उसको भी आप बढ़ा पाएंगे, जिससे आप इसके रिफ्रेश रेट का यूज़ करके आप स्क्रीन को स्मूथली चला सकते हैं। तो इस तरीके से स्क्रीन रिफ्रेश रेट को आप चेंज कर सकते हैं रेडमी 12 सी मोबाइल में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें।